सपा सरकार में आजम खान सीएम 2 के नाम से जाने जाते थे। सपा सरकार में आजम खान काफी अहम विभागों के कैबिनेट मंत्री थे। नगर विकास मंत्री होने के चलते आजम खान ने रामपुर में काफी विकास कार्य कराया था। इनमें सबसे ज्यादा अहम है जौहर यूनिवर्सिटी, जो रामपुर की शान है। इसी यूनिवर्सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही आजम खान विवादों में घिर गए। प्रदेश सरकार ने उनकी यूनिवर्सिटी के ऊपर जांच बिठा दी और किसानों की जमीन कब्जा करने और अवैध तरीके से सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग करने और सरकार के गेस्ट हाउस पर कब्जा करने, लूट और गैर इरादतन हत्या जैसे अब तक करीब 82 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कई बार समाजवादी पार्टी इसका विरोध भी कर चुकी है, तो प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही काफी संख्या में हिरासत में लिया था। तो वहीं दूसरी ओर आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को भी पुलिस ने कई बार हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद रिहा कर दिया था। अब दिलचस्प बात यह है कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी आजम खान के बचाव में आ चुके हैं और मुलायम ने बयान दिया है कि आजम खान जैसा कोई नेता नहीं है। आजम विकास पुरुष हैं, भाजपा उनके ऊपर बदले की भावना के तहत कार्रवाई करा रही है। सपा ने अब पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश भर से रामपुर आए लाखों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आजम खान के बचाव में प्रदेश सरकार और रामपुर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि आजम पर लगे सभी झूठे मुकदमे वापस ले, नहीं तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। यही तो कहा गया था कि नोटबंदी से पूरा का पूरा काला धन खत्म हो जाएगा, ये जो पाकिस्तान से जाली नोट आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज अखबार ने लिखा है कि पहले से 10 गुना ज्यादा भारत के व्यापार में 10 गुना ज्यादा जाली नोट बढ़ गए हैं, 10 गुना जाली नोट, और इतनी पुलिस प्रशासन कभी भ्रष्ट नहीं हुआ होगा जितना आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बच्चे उनको मंत्री हटाने पड़ रहे हैं। हम तो जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपने मंत्रिमंडल क्यों बदला है, मंत्रिमंडल क्यों बदला आपने, मंत्रिमंडल इसीलिए बदला आपने क्योंकि उनमें प्रश्न लग गए थे। कुछ अखबारों ने लिख दिया, कुछ आबंधक। उत्तर प्रदेश में अब कब्र में मुर्दे भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हापुड़ में हुई इस घटना को सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। मामला थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव गिरधरपुर तुम्बरेल का है, जहां एक महिला का शव कब्र के बाहर निकाल उसके हाथ पैर काटकर ईंट के खेत में फेंका हुआ था। महिला का हाथ पैर कटा शव कब्र के बाहर देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। पुलिस को सूचना दी, 100 नंबर पे प्रधान जी को बुलाया। प्रधान जी ने पुलिस को आने वाले को फोन करवाया, होने के बाद में पुलिस आ गई, पुलिस देख रही है। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई? अभी पुलिस ने तो हमें कोई कार्रवाई बताई नहीं है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस तो ये कह रहे हैं कि मामले और हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे डेड बॉडी का न्याय होना चाहिए, जिसका पुलिस एक पूरी इसकी जानकारी चाहिए। सीधा पैर खत्म है, पुलिस वाले तो इसकी इंक्वायरी भी चाहिए। नहीं सही है, इतना तो मांग करेंगे चाहिए। थाना हाफिजपुर क्षेत्र गांव गिरधरपुर तुमरेल के बीच शमशान घाट पर एक महिला के कब्र से मुर्दा निकालकर फेंक दिया गया खेत में, क्या है पूरा मामला, क्या अब तक कार्रवाई की गई? ये गिरधरपुर गांव निकास मोहम्मद है, इनकी पत्नी का 8 तारीख को देहांत हो गया था, 8 सितंबर को। तो इन्होंने शव को कब्र में दफना दिया था। आज सुबह इन्होंने सूचना दी कि कब्र से डेड बॉडी निकली हुई है। मौके पर पुलिस ने पहुँच कर उस पर आवश्यक कार्रवाई की। शव को फिर से कब्र में घर वाले दफना रहे हैं। इन्होंने एक तहरीर दी है, तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टा क्या पता पड़ पाया, किसकी शरारत हो सकती है? अब ये जाँच के बाद क्लियर होगा, जाँच कर रहे हैं, जाँच के बाद जो जैसा भी होगा वो क्लियर करेंगे। आगे कई गाँव बस्ती के आदमी आए, देखा तो कब्र में मुर्दा नहीं था, और उसकी जो खींच के ले गए होंगे ले जाने वाले, उसके निशान से देखा किंगे किंगे उग गए, तो पास में एक है
50 फुट की दूरी पर वहाँ एक में जा कर के देख के वहाँ पड़ी थी। उल्टे हाथ का पैसे गट्टे पे से हाथ कटा हुआ था और सीधे पैर का गट्टे पे से पैर कटा हुआ था। उसे वो है नहीं इस टाइम लाश के पास, उसे लेकर के गए हुए और चौबंदी भी नहीं है चारों माई। यहाँ मौत कैसे हुई थी इनकी? मौत बीमारी से हुई थी इनके, जो बीमारी सूखने की होती है टीवी की और सांस में दिक्कत हो जाती थी। 8 साल से बीमार थे। कद मौत हुई थी? ये इतवार को संडे को 8 तारीख को हुई थी जी। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में सरकारी डॉक्टर बेखौफ धड़ल्ले से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्हें ना तो अपने अधिकारियों का डर है और ना ही उच्च अधिकारियों का। बिना किसी डर के ये डॉक्टर ड्यूटी के बाद अवैध क्लिनिक संचालित करते हैं। इस अवैध प्रैक्टिस के खेल में अब सरकारी डॉक्टर के अलावा सरकारी फार्मासिस्ट भी कूद पड़े हैं और जमकर अवैध क्लिनिक चला रहे हैं। ये अभी आपके द्वारा हमें अवगत कराया गया है और अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है तो जो भी वहाँ के क्षेत्रीय डिप्टी सीएमओ हैं उनको ये जांच दी जाएगी और जांच के उपरांत अगर वो दोषी पाए जाते हैं, प्रैक्टिस करते पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी जैसा कि पिछली बार एक मामला भी आया था, आपको अवगत कराया था, अजीजगंज में एक झोलाचाप डॉक्टर वर्मा नाम से नर्सिंग होम अपना चलन संचालित कर रहे हैं, बहुत बड़ा। दूसरा एक फतेहपुर चुंगी का अनूप कुमार जो है फार्मासिस्ट, वो कर रहे थे। इस बारे में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है या नहीं? हाँ, यस, जो आपने बताया था अजीजगंज के लिए और यह जो वो अनूप की बात बता रहे हैं, वो नोडल ऑफिसर के द्वारा जांच की जा रही है। हमने नोडल ऑफिसर को डिप्यूट कर दिया था, लेकिन अभी संज्ञान में आया है कि कार्य की अधिकता की वजह से वो नहीं पहुंच पाए हैं। इसको जल्द से जल्द जांच करा करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जयपुर के रामनगरिया विस्तार बी ब्लॉक के जेडीए कॉलोनी में लोग पानी की समस्या को लेकर जूझ रहे हैं। वहां के स्थायी लोग कई बार अपनी समस्या की शिकायत जल विभाग के अधिकारियों को लिखित रूप में कर चुके हैं, जिसको लेकर अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। महीनों से चली आ रही समस्या से जूझ रहे लोग पानी से परेशान होकर किराए के टैंकरों से पानी डलवा रहे हैं, जिसके चलते यहां लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जल विभाग की आंखें अभी तक बंद है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहने वाले सचिन चौधरी कई बार इंटरनेशनल मुकाबलों में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, लेकिन सरकारी तंत्र से नाराज होकर वे पिछले एक सप्ताह से भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि उन्हें जल्द ही सरकारी नौकरी मिल जाए, नहीं तो वह अनशन पर बैठे रहेंगे, जिसके चलते देर ही सही लेकिन प्रशासन भी एक हफ्ते के बाद हरकत में आया और जिलाधिकारी समेत जनप्रतिनिधि आज मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम पहुंचे और खिलाड़ी को आश्वासन देकर उसका अनशन तुड़वाया। धरने पे थे, आज जूस खिला के अनशन खत्म करा दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि सचिन चौधरी जी हमारे पहला नाम जो है और देश का नाम भी रोशन किया है, उनसे मैंने बातचीत की और दो इशू जिनके उनके लिए हम लोगों ने बोला खेल मंत्री जी का टाइम लगा, तो हम लोग अपना भी पक्ष रखते हैं, बाकी जनप्रतिनिधि भी हम लोग तो हम मिलकर प्रयास करेंगे तो कुछ जो भी आवश्यक मदद जो होती है। सर, 6 दिन के बाद भैया, 6 दिन बाद आपकी मांगे मान ली गई है, क्या आश्वासन आपको मिला है? जी, शासन प्रशासन की तरफ से मुझे एक प्रस्ताव दिया गया था और कॉन्क्रीट प्रस्ताव भी लगा हुआ, अच्छा प्रस्ताव है और मैंने बोला कि आप बात आपको मान रहा हूँ, ठीक लग रहा है प्रस्ताव, फिर मंत्री से मुलाकात है, स्पोर्ट डायरेक्टर और मीटिंग में स्पोर्ट सेक्रेटरी भी होंगे, वो काम करने वाली थोड़ी है और यदि मुझे काम नहीं लगेगा तो स्थगित क्या है, मैं तो दोबारा धरने पर जाऊँगा। यही है और मेरे बड़े हैं कल आपका धरना 5वें दिन था, आपने बोला था कि कोई भी भाजपा विधायक या मिलने नहीं आया था आपसे, उसके बाद विधायक आने के बाद में आपने आमंत्रण तोड़ा, क्या कारण रहा? नहीं, इस बात में आए थे, पहले मिलने भी आए, सांसद साहब भी आए थे, कैंट विधायक भी आए थे, हमारे विधायक भी आए हैं, आ रहे थे लगातार, पर एक जो मुद्दा जो प्रस्ताव मुझे चाहिए था वो नहीं आ रहा था लगातार, है ना। वो प्रस्ताव जो मेरे सामने आया, मैंने बच्चों से बात की, बच्चों ने एग्री किया, तो देखते हो मीटिंग है 25 तारीख को, अभी स्थगित कर रहे हैं, यदि मीटिंग में कुछ पक्का कॉन्क्रीट नहीं होगा तो मैं दोबारा शुरू करेंगे। अगर 25 तारीख को आपका मांगे पूरी नहीं होगी फिर दोबारा धरना शुरू करूंगा मैं, यदि 25 को मेरी मांग हुई कॉन्क्रीट लगेगा, कुछ मुझे नहीं लगेगा, मैं दोबारा धरना शुरू करूंगा।